हे गाइस, दिस इज़ नील। स्वागत है आपका लर्न विथ एसएनके पे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस बेसिकली आपका मैथ्स का एक चैप्टर है जो आप बहुत ही इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे आपके एलेवेंथ में। ठीक है, ट्वेल्थ में भी है, लेकिन क्योंकि हमारे फिजिक्स में, ठीक है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलस। तो मैं आपको कैलकुलस के कुछ बेसिक्स, बहुत 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 बेसिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ जाके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम सारे असाइनमेंट्स के आंसर अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो आप में से सभी अब टेंथ से इलेवेंथ में जाएंगे। ठीक है, अब टेंथ से आप जैसे इलेवेंथ में आएंगे, आपको एक नई चीज़ दिखेगी, कैलकुलस। आप लोग सोचेंगे कि ये है क्या, ये कैलकुलस तो ना कभी नाम सुना है ना कुछ। बहुत सिंपल वे में समझाऊं तो आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक नया हथियार है आपके पास। ठीक है, आपको एक नया हथियार दिया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि मान लो मेरे पास एक बुक है। ठीक है, मैंने पेज नंबर 1 से अगर काउंट किया और 100 पेज तक गया। ठीक है, तो उनके बीच में कितने पेजेस हैं, आप आसानी से बोल दोगे कि 100 पेजेस है। ठीक है, तो वही अगर मैं 100th पेज से खोलूँ, ठीक है, या फिर 87th पेज से खोलूँ और जाऊँ मैं 300th पेज तक। ठीक है, मैं बोलूँगा अब आपके बीच में कितने पेजेस आए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एपी लगा दोगे वहाँ पे, है ना, आप एपी लगा दोगे। तो ये एपी क्या है, बेसिकली आपका एक हथियार है ना, एपी। सिमिलरली कैलकुलस भी आपका एक नया हथियार आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैलकुलस आखिर है क्या। ठीक है, देखिए, कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, दिस कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस को डिफरेंशिएशन कहते हैं और इसको इंटीग्रेशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग इस ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। सिमिलरली इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जो सिंबल होता है इसको इंटीग्रेशन का सिंबल कहते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन, फिर डी एक्स। ओके, अब इसको हम लोग बोलेंगे कैसे। ठीक है, इसको कहते क्या है आखिर, मान लीजिए ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, डब्ल्यू आर टी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो नीचे रहेगा वो होता है विथ रिस्पेक्ट टू, और ऊपर वाला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन अब होता क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन मतलब होता है ना ब्रेकिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ के एक छोटा पार्ट निकाल लेना। मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है। ठीक है, आपको दिख रही होगी ना, हाँ, ये सर्कल है। इसका देखिए, मैंने एक स्ट्रिप काट लिया। ठीक है, रेडियस के मतलब बेसिस पे एक स्ट्रिप काट लिया। ओके, अलॉन्ग द रेडियस। ठीक है, उस स्ट्रिप को, उसका जो विड्थ है, ठीक है, स्ट्रिप का विड्थ, उसको मैंने दिया डी एक्स। ठीक है, उस विड्थ को मैंने नाम दिया डी एक्स। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ ऐसे मतलब स्ट्रिप्स आएंगे ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। ठीक है, n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आए, तो उस एक स्ट्रिप को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, मतलब उसको निकालने को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिमिलरली अगर उस स्ट्रिप को आप जोड़ने लगेंगे, ठीक है, एक एक करके आप जोड़ेंगे, तो एक पूरा सर्कल का वो शेप लेगा, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, एडिंग अप ऑफ द स्लाइसेस टू फाइंड द होल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सो तोड़ने को कहते हैं डिफरेंशिएशन, जोड़ने को कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, इंटीग्रेशन। ठीक है, और देखिए, सिमिलरली ये एक सिलेंडर है, मान लीजिए इसका एक मैंने स्ट्रिप काट लिया, एक 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 स्लाइस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, उसका आप एक स्लाइस काट लिए। ठीक है, तो वो जो एक स्लाइस आया, ठीक है, लाइक क्या बोलूँ, डिस्क, एक डिस्क जैसा आया वो। ठीक है, उस एक डिस्क का जो मतलब विड्थ है, ठीक है, मतलब कितना विड्थ है, उसको हम लोग डी एक्स मान लिए। वैसे ही n नंबर ऑफ डिस्क आप जोड़ेंगे तो ये पूरा सिलेंडर बनेगा, है ना, यही होता है डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन की बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन का ये दो बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट रूल और इसको कहते हैं हम लोग पावर रूल। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सारे रूल्स दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको ये सब दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक रूल्स डिफरेंशिएशन के, कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, तो पहला है कांस्टेंट रूल। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट में सी, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट। ठीक है,
डी बाई डी एक्स तो फॉर्म आपको पता है, ये डिफ्रेंशिएशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, दिस समथिंग इज कॉन्स्टेंट। तो अगर एक कॉन्स्टेंट का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एनी थिंग, विद रिस्पेक्ट टू एनी थिंग, वो होगा जीरो, ठीक है, दैट इज जीरो। इसी को कहते हैं कॉन्स्टेंट रूल, ठीक है। सिमिलरली पावर रूल क्या होता है, पावर रूल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं उसी का अगर कुछ एक पावर हो, ठीक है, मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज अ वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है, और एन जो है वो एक नंबर है, ओके, दैट इज अ नंबर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है, तो क्या होगा इसका, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए एन जो है ना, ये एन आगे आ जाएगा, ठीक है, आगे आ गया, मल्टीप्लाइड विथ एक्स, एन एक्स और एक्स के पावर में एन माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये हो गया पावर रूल। अब देखिए कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल, ये बड़ा सिंपल है। कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ एक है, ठीक है, ये कुछ एक क्या है, सी डॉट यू, यू एक वेरिएबल है, ठीक है, यू एक वेरिएबल है जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सी क्या है, इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, मान लीजिए सी फाइव है, ठीक है, फाइव यू, ठीक है, ठीक है, तो ये सी देखिए बाहर आ जाएगा, फाइव बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ईजी है ना। अब देखिए सम एंड डिफरेंस रूल, मान लीजिए दो चीज़ों को आपको डिफरेंशिएट करना है, वो ऐसे प्लस या माइनस में है, जैसे कि यू प्लस वी और यू माइनस वी, ठीक है, तो उसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, एक इसके साथ मल्टीप्लाई होके अलग लिख लिए, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके अलग लिख लिए, है ना, डी डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ओके, दिस इज सम एंड डिफरेंस रूल, ठीक है। अब आता है आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल, ये क्वेश्चन रूल को हम लोग डिविजन रूल भी कहते हैं। अब सम तो हम लोग देख लिए, डिफरेंस भी देख लिए, अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, मान लीजिए u डॉट v है, ठीक है, मतलब u इंटू वी, टी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ठीक है, जो u और v को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, या फिर आप इसको u का भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीच में तो प्लस साइन है, आप चाहे इसको आगे करें या इसको, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग v को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, ये तो लिख दिए, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, और उसके बाहर u जो बच गया उसको जस्ट बाहर डाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, ठीक है, प्लस बीच में प्लस सिंबल रहेगा, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, अब जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, डी यू ऑफ डी एक्स, और मल्टीप्लाई किसको किए, वी को, ठीक है, देखिए एक बार यू को हम लोग बाहर रख के वी को डिफरेंशिएट किए, प्लस वी को बाहर रख के यू को डिफरेंशिएट किए, ठीक है, इजी है ना प्रोडक्ट रूल। अब देखिए क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन रूल, अब देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या है कि आप चाहे इसको आगे रखें यू को या वी को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप चाहे v का पहले डिफरेंशिएशन कीजिए या u का पहले कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस सिंबल है। लेकिन क्वेश्चन रूल में u बाई v, ठीक है, अगर v नीचे है तो u का ही डिफरेंशिएशन पहले होगा, मतलब जो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर पार्ट उसको पहले डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए बीच में नेगेटिव सिंबल है ना, माइनस साइन है, ठीक है, अगर आप इसको पहले, मतलब आप v को पहले डिफरेंशिएट कर देते, ठीक है, ये तो गलत हो जाता, ठीक है, तो आप देख लीजिए ऊपर कौन है, u, तो पहले ऊपर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं du by dx, सॉरी हाँ du by dx, ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ, जो नीचे बच गया वो, माइनस इसमें प्लस था इसमें माइनस, ठीक है, माइनस, अब बच कौन गया यहाँ पे, v बच गया ना, v को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, बच गया u, u को यहाँ डाल दिए इसके आगे मल्टीप्लाई फॉर्म में, और डिवाइडेड बाई, टोटल को डिवाइड करेंगे किससे, जो नीचे है उसका डिनोमिनेटर पार्ट से डिवाइड कर देंगे, मतलब उसका होल स्क्वायर कर देंगे, v का होल स्क्वायर, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया आपके सारे बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दो रूल्स पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जो है कि कॉन्स्टेंट और पावर रूल, ठीक है। तो चलिए ये अब समझ में तो आ गया होगा आपको, ठीक है, ये दोनों रूल्स। देखिए इसमें भी मैंने वही लिख के रखा था, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ये है आपका कौन सा रूल, पावर रूल, और ये आपका कॉन्स्टेंट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज जीरो, ओके। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको पावर रूल और प्रोडक्ट रूल, सॉरी पावर रूल और आपका कांस्टेंट रूल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चंस है कि आपको डिफरेंशिएट करना है वाई, ठीक है, मैं क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएट वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, आप समझ लीजिए, ठीक है,
डिफ्रेंशिएट वाई, मतलब वाई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब नीचे एक्स रहेगा, ठीक है, मतलब डी एक्स, ठीक है। कैसे करना है देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये जो वाई है ना उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, इस वाई को पहले यहाँ लिख दिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू इस एक्स को लिखना पड़ेगा ना, वाई की जगह एक्स को लिख देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अभी हम लोग रूल में क्या पढ़े थे, ठीक है, आपका जो ये रूल था उसमें हम लोग पढ़े थे ना कि ऊपर का जो पावर होगा पहले तो वो पावर इधर आ जाएगा, ठीक है, फिर एक्स जुड़ेगा उसके साथ, टू बाहर, फिर एक्स रेज टू द पावर क्या, इससे माइनस वन जो पावर था उस माइनस वन, टू माइनस वन, दैट मीन्स टू एक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, डी बाई डी एक्स और ऊपर में वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई है ना, ये वाई, अब वाई की जगह क्या रखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर को रख देंगे, ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट एंड मल्टीपल रूल, तो कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है कि अगर एक कॉन्स्टेंट कुछ जुड़ा मल्टीप्लाइड है एक वेरिएबल के साथ तो वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना, मतलब थ्री बाहर आ जाएगा ना, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, राइट, सॉरी सॉरी एक्स स्क्वायर, ओके। तो थ्री इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू तो बाहर आ जाएगा, थ्री इंटू टू, ये पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, थ्री इंटू टू एक्स, एक्स स्क्वायर का अभी हम लोग किए, देखिए एक्स स्क्वायर का, तो टू माइनस वन ऊपर में, टू माइनस वन दैट इज वन, सो टू एक्स, सो ये अल्टीमेटली आपका आएगा थ्री टू जो सिक्स एक्स, है ना, सिक्स एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू इसका डिफरें, इसको ऐसे लिख लेंगे पहले, ठीक है, पहले लिख लेते हैं उसको, आपको आसानी हो जाएगी फिर समझने में, ठीक है, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वन बाई टू, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, अब देखिए कि डी ऑफ डी एक्स मतलब एक्स का ही डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, अब मान के चलते हैं हम लोग इसको प्रोडक्ट, सॉरी हम लोग इसको पावर रूल से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, पावर एक्स का पावर कितना है, वन है, तो चलिए वन लगा देते हैं पहले वन, ठीक है, फिर एक्स और ऊपर में क्या है वन, सो वन माइनस वन माइनस वन, तो बचता क्या है जीरो, एक्स पे पावर जीरो, ठीक है, प्लस इसको हाफ, हाफ यहाँ पे पहले हम लोग बाहर ला दिए हाफ, है ना, पावर रूल लगाएंगे हम लोग, हाफ बाहर ला दिए, एक्स वन बाई टू माइनस वन, ये माइनस वन है ना, तो अल्टीमेटली अब कितना आएगा, देखिए वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, सो वन प्लस वन बाई टू और एक्स पावर वन हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, सो एक्स पे पावर माइनस हाफ, ठीक है, तो एक्स पे पावर माइनस हाफ, तो इसको अगर हम लोग नीचे ला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस वन बाई टू और एक्स को हम लोग नीचे लाएंगे तो एक्स का पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, है ना, माइनस हाफ जो था ये प्लस हाफ हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वन प्लस वन बाई टू रूट एक्स, पावर हाफ मतलब भी तो रूट होता है ना, रूट एक्स, ठीक है। चलिए ये वाला देख लेते हैं, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है, हर बार मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट करें कि लिख दें, चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स सिक्स एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर माइनस सिक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर फोर, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, मतलब इतना तोड़ ताड़ के नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, सिक्स बाहर आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर कितना फाइव, मतलब सिक्स माइनस वन, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, सिक्स पावर माइनस वन, ठीक है, प्लस इसको क्या करेंगे, माइनस सिक्स है ना, तो माइनस सिक्स बाहर लाएंगे, माइनस सिक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस सिक्स और माइनस मतलब माइनस सिक्स माइनस वन, ठीक है, और ये देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका फोर बाहर आ जाएगा, फोर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन इज थ्री। अब देखिए सिक्स एक्स टू द पावर फाइव, ये माइनस है तो माइनस सिक्स एक्स टू द पावर माइनस सिक्स और माइनस वन इज माइनस सेवन, ओके, एंड प्लस फोर एक्स क्यूब, ईजी था,
इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इजी है, ये बहुत इजी है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट करें उतना ना लिख के, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो देखिए आप, ये कॉन्स्टेंट एंड मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है, ठीक है। फोर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, फोर बाहर आ गया, फोर को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए बचता है एक्स। आप याद रखिए कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमेशा वन होता है, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग किए ना, ये वाला वन हुआ। सो फोर इंटू वन इज़ वन, सॉरी, फोर इंटू वन इज़ फोर, सो फोर। अब वन का डिफ्रेंशिएशन, अब वन क्या है, वन इज़ अ कॉन्स्टेंट ना, वन इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर कॉन्स्टेंट होता है। सो और कॉन्स्टेंट रूल क्या कहता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज़ जीरो। सो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, यानी कि अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट ज़ीरो, राइट। तो ये अपना बन गया ना, फोर प्लस ज़ीरो इज़ फोर, फोर, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोगों को पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, टू इंटू ये ऐसे करके जैसे सब तोड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए टू एक्स माइनस थ्री और टू एक्स प्लस थ्री, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब टू एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी कौन है, थ्री, थ्री का होल स्क्वायर यानी नाइन, ये आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट आपको करना है, कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी फोर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ नाइन। तो ये लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, फोर को बाहर निकाल देंगे पहले, ठीक है। फोर निकल गया बाहर, ये टू, टू पावर में है ना, तो टू भी तो बाहर निकल गया, टू बाहर निकल गया, ठीक है। और एक्स रेज टू द पावर वन, यानी कि ये टू मल्टीप्लाई होगा ना फोर के साथ, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, एट, एट एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो, जीरो। सो आंसर आया आपका एट एक्स, राइट। तो अब चलिए ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक। ये बेसिक क्वेश्चंस है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपका ग्रिप बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और इसके आंसर्स मैं अपलोड कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए इसको, और कोई भी आपको डाउट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ठीक है। ओके, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोडक्ट रूल।